ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम यहाँ भगवान शंकर के शिव चालीसा का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर सबका कल्याण करने वाले देवता, संहार के देवता, शक्ति के शव यानी शक्ति संपन्न, शक्ति को सदा ही साथ रखने वाले अर्धनारीश्वर और तांडव करने वाले, डमरू से मंत्रों को उत्पन्न करने वाले, सारे तंत्र के एकमात्र रचयिता और अधिष्ठाता भगवान शंकर, सभी मंत्रों के उत्पन्न करने वाले देव, जिनकी डमरू की ध्वनि से 5 करोड़ मंत्रों की उत्पत्ति हुई, जिनका नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षरी मंत्र 5 करोड़ मंत्रों का सृजक है, भगवान आशुतोष सदा ध्यान में मग्न रहने वाले, योगियों से भी ऊपर परम योगी भगवान शंकर, सदैव दृढ़ साधना में मग्न रह करके बहुत भोले मगर साथ में भाले भी। भगवान शंकर जितने सीधे सज्जे सज्जन और भोले हैं, उनके साथ में उनका भाला भी है, त्रिशूल भी है। भगवान शंकर त्रिनेत्री हैं, उनकी दया दृष्टि मात्र से पर्वत के पर्वत, हीरे रत्नों आभूषणों और संपत्तियों में बदल जाते हैं। भोला भंडारी जब देते हैं तो इतना देते हैं कि मनुष्य के लिए अकल्पनीय होता है, और भोला भंडारी को जब क्रोध आता है, जब उनका भाला चलता है, त्रिशूल चलता है, उनका त्रिनेत्र खुलता है, तो कामदेव और रति जैसे भस्म हो जाते हैं। बहुत से वरदानी अमरता का वरदान प्राप्त मारे जाते हैं, जिन्हें कोई नहीं मार सकता, किसी भी विधि से नहीं मार सकता, उनकी भी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। तो जहां ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का कार्य है, विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कार्य है, तो भगवान शंकर को सृष्टि के संहार का प्रमुख कार्य। भगवान शंकर शक्ति बिना अधूरे हैं, वरना भी योगी हैं, और जब उनके साथ शक्ति आती है तो वो शिव हो जाते हैं। भगवान शिव का नाम मात्र लेना, शंकर जी का नाम मात्र लेना ही घर में परम कल्याणक होता है। शिवलिंग का पूजन करना, बेलपत्र चढ़ाना, धतूरा काला धतूरा चढ़ाना, ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तो भगवान शंकर को विशेषकर बम मंत्र बहुत प्रिय है। बम मंत्र बटुक भैरव का बीज मंत्र है। बटुक भैरव भैरव भगवान शंकर के ही अंश और अवतार हैं। तो भगवान बटुक का जो बीज मंत्र है वो बम है। तो आपने कभी देखा हो तो जितनी भी कांवरें चलती हैं, लोग लाते हैं देश भर में गंगा जी से, और अपने अपने गांव में शिवलिंगों पर या किसी विशेष शिवलिंग पर जाकर के मंदिर में चढ़ाते हैं, तो वे पूरे रास्ते बम गाते हुए आते हैं। ये जो बम है ना, यही बटुक भैरवाय का बीज मंत्र है। तो वो बटुक भैरव का उच्चारण करते हुए
यानी बम गाते हुए यानी बम बीज मंत्र बोलते हुए पूरे रास्ते आते हैं। तो भैरव की साधना, तो बटुक भैरव के बारे में हम पहले ही सीडी में डीवीडी में अपनी में पूरे विवरण दे चुके हैं और उनका उच्चारण कर चुके हैं। तो शिव को बम बहुत प्रिय है, शंकर जी को। दूसरे भगवान शिव का ध्यानावस्थित चित्र घर में रखना चाहिए। शिवलिंग अगर रखें घर में तो उसके साथ नंदी भी होना चाहिए। बगैर नंदी का शिवलिंग घर में रखने पर पूजा करने से शिवलिंग एकदम से तेजोमय होकर विस्फोटक हो जाता है और एकदम से प्रचंड प्रभाव दिखा करके मृत हो जाता है। इसलिए शिवलिंग के समक्ष हमेशा ही एक नंदी रख करके तब शिव की पूजा करना चाहिए, चाहे घर में और चाहे मंदिर में। अगर नंदी सामने रहेगा तो शिवलिंग तेजोमय तो हो जाएगा आपकी पूजा के कारण, प्रचंड हो जाएगा, लेकिन विस्फोट होकर के मृत नहीं होगा। और नंदी के अभाव में तेजोमय होकर के विस्फोट होकर के वो मृत हो जाता है। एक बार बहुत अच्छा प्रभाव दिखाएगा, उसके बाद वो मृत हो जाता है। अतः नंदी का सम्मुख रहना, और नंदी की ऊंचाई उतनी रखी जाती है जितनी शिवलिंग की ऊंचाई रहती है। यह विशेष बातें कुछ ध्यान रखें। इसके बाद मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद शिव चालीसा का यहां उच्चारण कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला, बाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नागफनी के, अंग गौर शिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए, अंग गौर शिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बागंभर सो है छवि को देख नाग मुनि मोह है। मै नामा तुक वै दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छय कारी। नंदी गणेश सूहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गण राऊ या छवि को कह जातन काऊ। कार्तिक श्याम और गण राऊ या छवि को कह जातन काऊ, देवन जब ही जाए पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिल तुम ही जुहारी।
किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायउ, लव निमेश मह मारि गिरायउ। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायउ, लव निमेश मह मारि गिरायउ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा सरसन युद्ध मचाई, तब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तास पुरारी। दान में तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदित मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीनी दया ते करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन राम चंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। शेष कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। शेष कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए चितवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये अवसर मुहे आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मुहे आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावै, शारद नारद शीश नवावै। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाय। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। रुनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई।
पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। ओम नमः शिवाय। नित नेम कर प्रातही, नित नेम कर प्रातही, पाठ करो चालीस। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, पूर्ण करो जगदीश। ओ मगसर छठ है मंत्रितु, संवत 64 जान, स्तुत 40 आशिवही, पूर्ण कीन कल्याण। नित्य नेम कर प्रातही, पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठ है मंत्रितु, संवत 64 जान, स्तुत 40 आशिवही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय शिव शंकर, जय हो प्रभु। गौर शरीर में गौरी विराजत, मोर जटा सिर सोहत जाके, दागन को उपबीत लसय कह, अयोध्या शशि बल बाल में बचा बाके। अरे गौर शरीर में गौरी विराजत, मोर जटा सिर सोहत जाके, नागन को उपवीत लसय कहे, अयोध्या शशि बाल में बाके। दान करे फल, दान करे पल में फल चारे, और तारत अंक लिखे विधना के, और शंकर नाम निशंक सदा ही, भरोसे रहे निशिवासरता के। गौर शरीर में गौरी विराजत, मोर जटा सिर सोहत जाके, और नागन को उपवीत लसय कहे, अयोध्या शशि बाल में बाके। दान करे पल में फल चारी, और तारत अंक लिखे विधना के, शंकर नाम निशंक सदाई, भरोसे रहे निशिवासर ताके। मगसर मास है मंत्रितु, छठ दिन है शुभ बुद्ध, कहत अयोध्या दास तुम शिव के विनय समुद्र। अब इस शिव चालीसा के उपरांत हम शिवाष्टक का उच्चारण करेंगे। तो ये भगवान शंकर का शिवाष्टक है।